नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। और आज है 8 अक्टूबर 2019, तो आज हम चर्चा करेंगे 8 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बारे में। इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कल वाली वीडियो में हमने आपसे पूछा था उसका आंसर क्या होगा। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है IRCTC के यात्रियों को दिल्ली से लखनऊ जाने वाली किस ट्रेन के लेट होने पर मुआवजा दिया जाएगा। तो किस ट्रेन के लेट होने पर दिया जाएगा, तो ये दोस्तों हाल ही में शुरू हुई जो भारत की पहली निजी ट्रेन है तेजस एक्सप्रेस है, उसके लेट होने पर यात्रियों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जो इसका किराया है वह जो वर्तमान में ट्रेन चल रही है, सरकारी ट्रेन चल रही है, उनसे 1.5 गुना होगा, यानी उनसे ज़्यादा होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आपसे एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। सभी दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुपों में इसे शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल कलाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पर दोस्तों रोज़ सुबह 8 से 9 बजे के बीच आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो हमारे ग्रुप से जाकर आप जुड़ सकते हैं। अब देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वह है गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव यानी GMC 2019 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो हाल ही में जो गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव है उसका उद्घाटन अजीत डोभाल के द्वारा किया गया। जो NSA हैं यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के हैं अजीत डोभाल, उनके द्वारा उद्घाटन इसका किया गया। तो इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देखते हैं। तो ये फोटो में आपको अजीत डोभाल इस कार्यक्रम के उद्घाटन में आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। तो गोवा में दोस्तों जो मेरीटाइम कॉन्क्लेव है, GMC गोवा मेरीटाइम कॉन्क्लेव, उसका उद्घाटन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत कुमार डोभाल के द्वारा किया गया। यह कॉन्क्लेव नौसेना युद्ध कॉलेज द्वारा संचालित किया गया था। दोस्तों, सम्मेलन के विषय हिंद महासागर क्षेत्र में अवसर और चुनौतियां, क्षेत्र में साझा समुद्री प्राथमिकताएं, क्षेत्रीय निर्माण और रणनीतियां, और इस कॉन्क्लेव का जो विषय था वह क्या था, वह कॉमन जो मेरीटाइम प्रायोरिटीज इन IOR एंड नीड फॉर रीजनल मेरीटाइम स्ट्रेटजी, ये इसका दोस्तों हम आज इस वर्ष का जो इस कार्यक्रम का विषय वह था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसी प्रकार दोस्तों सभी क्वेश्चनों का विस्तृत जानकारी आपको दी जाएगी। इससे अच्छा करंट अफेयर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। यदि आप रोज़ हमारा वीडियो देखते हैं तो आपको करंट अफेयर्स अलग से कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने HDFC बैंक के प्रगति रथ का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसने HDFC बैंक के प्रगति रथ का हाल ही में शुभारंभ किया है। तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी देखते हैं। तो ये फोटो में प्रगति रथ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो इस रथ का जो शुभारंभ किया है वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा किया गया है। और प्रगति रथ हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर 1 महीने की पहल के दौरान लोगों को वित्तीय और डिजिटल साक्षरता प्रदान करेगा। दोस्तों, लॉन्चिंग के अवसर के दौरान बैंक ने मुख्यमंत्री राहत कोष को 1 करोड़ रुपए का चेक प्रदान किया है। और बैंक ने यह भी घोषणा की है कि उसे राज्य में सतत आजीविका पहल शुरू करनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंजाब सरकार ने किसको अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है। तो पंजाब सरकार ने दोस्तों हाल ही में अपना जो लोकपाल नया लोकपाल नियुक्त किया है वह विनोद कुमार शर्मा को किया है। तो विनोद कुमार शर्मा इसका राइट आंसर हो गया। तब पंजाब सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वह कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं और वहाँ के राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। अब देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी। तो ये फोटो में दोस्तों आपको विनोद कुमार शर्मा दिखाई दे रहे हैं। तो पंजाब के मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में मैंने आपको अभी ऊपर बता दिया कि अमरिंदर सिंह और राज्यपाल VP सिंह बदनौर हैं। इसी प्रकार जानकारी देख लेते हैं। तो पंजाब सरकार ने जस्टिस विनोद कुमार शर्मा जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको नया लोकपाल नियुक्त किया है। और 23 अप्रैल 2018 को न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल के इस्तीफा देने के बाद में यह पद खाली हो गया था। लोकपाल दोस्तों को का जो ये पद है यह 6 साल की अवधि के लिए विनोद कुमार शर्मा इसे संभालेंगे। दोस्तों, न्यायमूर्ति शर्मा ने 22 मार्च 2006 से 2010 तक पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है।
इसके बाद उन्हें मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया, जहाँ से वह 24 मई 2013 को सेवानिवृत्ति हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किसके द्वारा लिखित एक नई किताब 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी द साउथ अफ्रीकन लेगेसी, इसका विमोचन किया है। तो ये पुस्तक का नाम है, इसका विमोचन किया गया है। तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है दोस्तों वह है फकीर हसन। तो ये फकीर हसन इसका सही उत्तर हो गया। तो गांधी जी पर यह किताब लिखी गई है, तो इसे 150वीं जयंती पर यानी 2 अक्टूबर को इसे लॉन्च किया गया था। इस किताब में क्या है यह देखते हैं दोस्तों। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में फकीर हसन द्वारा लिखित एक नई किताब 150 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग द महात्मा गांधी द साउथ अफ्रीकन लेगेसी का विमोचन हुआ है। ये पुस्तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जारी की गई है। दोस्तों यह पुस्तक गांधी जी की जयंती और पुण्यतिथि के साथ साथ जो दक्षिण अफ्रीका में उनकी यात्रा का स्मरण भी कराती है, जो रंग भेद युग की अल्पसंख्यक सोवियत सरकार द्वारा शुरू की गई थी और पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के बाद पुनर्जीवित हुई थी। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी होगी। नेक्स्ट है, यूनेस्को की हाल ही में सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यूनेस्को की जो सद्भावना राजदूत नियुक्त की गई है उसका नाम देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा यालित्जा अपेरिसियो। तो यालित्जा अपेरिसियो फोटो में आप देख पा रहे हैं, ये यूनेस्को की जो नई सद्भावना राजदूत है वह इन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों यूनेस्को के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वह पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा आड्रे अजोले। तो आड्रे अजोले ने मैक्सिकन अभिनेत्री यालित्जा अपेरिसियो को स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को सद्भावना राजदूत के रूप में नामित किया है। दोस्तों यालित्जा अपेरिसियो नस्लवाद के खिलाफ हैं और वह महिलाओं और स्वदेशी लोगों के अधिकारों की लड़ाई के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। शिक्षक बनने की पढ़ाई के दौरान उन्हें अल्फोंस क्यूरोन में की फिल्म रोमा में खेलने के लिए चुना गया था। वह पहली ऐसी स्वदेशी मैक्सिकन महिला हैं जिन्हें यूएस अकेडमी अवार्ड द्वारा मान्यता दी गई है। दोस्तों यूएसए की टाइम पत्रिका ने उन्हें 2019 में दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में उन्हें चुना था। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने इको फ्रेंडली पटाखे लॉन्च किए हैं? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने इको फ्रेंडली पटाखे लॉन्च किए हैं। तो ये भारत सरकार इसका सही आंसर हो गया। फोटो में दोस्तों आपको केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इन पटाखों का लॉन्च किया है। इनके बारे में जानते हैं। तो केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत में निर्मित पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पटाखों को लॉन्च किया है। दोस्तों पर्यावरण के अनुकूल जो पटाखे हैं उनको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR प्रयोगशाला द्वारा विकसित किए गए हैं और ये लाइसेंसधारी निर्माताओं द्वारा निर्मित हैं। तो दोस्तों ग्रीन लोगों के साथ साथ एक QR कोडिंग सिस्टम भी विकसित किया गया है। ग्रीन लोगो होगा, उस लोगों के साथ एक QR कोड होगा जिससे प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे और पर्यावरण के अनुकूल पटाखों में आप भेद कर सकते हैं। दोस्तों ये पटाखे वायु प्रदूषण की समस्याओं को हल करने के लिए लॉन्च किए गए हैं। अगला क्वेश्चन जो है वह देखते हैं। तो क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अभिनेत्री डाई हान केरोल का निधन हो गया है, वह किस देश की अभिनेत्री थी? तो अमेरिका की अभिनेत्री जो डाई हान केरोल है उसका हाल ही में निधन हो गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। तो डाई हान केरोल के बारे में जानते हैं, फोटो में आपको दिखाई दे रही हैं। तो अमेरिकी अभिनेत्री डाई हान केरोल का दोस्तों हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने 1962 में गोल्डन ग्लोब और टोनी पुरस्कार जीते हैं और ऑस्कर के लिए नामांकित हुई है। दोस्तों ब्रॉडवे म्यूजिकल नो स्ट्रिंग्स में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का टोनी पुरस्कार जीतने वाली यह पहली अश्वेत महिला भी थी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखते हैं। वीडियो पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, सभी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दें। नेक्स्ट है, किस राज्य में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित किया जाएगा? तो ये किस राज्य में किया जाएगा? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। दोस्तों भोपाल नगर निगम यानी BMC और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भोपाल मध्य प्रदेश में देश का पहला ई कचरा क्लिनिक स्थापित करने के लिए हाथ मिलाया है। यह क्लिनिक दोस्तों घरेलू और वाणिज्यिक दोनों इकाइयों से कचरे के पृथक्करण प्रसंस्करण और निपटान को सक्षम करेगा और इलेक्ट्रॉनिक कचरे को घर घर जाकर इकट्ठा किया जाएगा, फिर उसको शुल्क देकर सीधे क्लिनिक में भी जमा
किया जा सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो पहली भारतीय बन गई है दोस्तों, पर भारतीय महिला बन गई है, उसका नाम है हरमनप्रीत कौर। तो फोटो में दोस्तों आपको हरमनप्रीत कौर दिखाई दे रही है, जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। तो इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, तो हरमनप्रीत कौर 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। वह 10 महिला खिलाड़ियों के क्लब में शामिल हो गई हैं। न्यूजीलैंड के सूजी बेट्स और ऑस्ट्रेलिया के एलिस पेरी 111 प्रदर्शन के साथ सूची में पहले स्थान पर हैं। वहीं दोस्तों T20 में हरमनप्रीत कौर, MS धोनी, रोहित शर्मा और जिन्होंने पुरुषों की क्रिकेट में भारत के लिए सबसे अधिक मैच खेले हैं, उनसे भी 2 मैच ही आगे हैं। तो इसका हरमनप्रीत कौर है, इसका राइट आंसर हो गया। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है, वह देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन आज का, विज्ञान धर्म और दर्शन पर 3 दिवसीय 5वीं विश्व संसद का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो उसका आयोजन दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में किया जाएगा। तो पुणे इसका राइट आंसर हो गया। तो ये फोटो में आपको जहां पर इसका आयोजन किया जाएगा वहां की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो विज्ञान धर्म और दर्शन पर 3 दिवसीय 5वीं विश्व संसद का आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय में किया जाएगा। दोस्तों इस वर्ष के कार्यक्रम का जो सब्जेक्ट रहेगा वह रोल ऑफ साइंस, रिलीजन एंड फिलोसॉफी फॉर वर्ल्ड पीस एंड वेल बींग ऑफ मैनकाइंड, इसका सब्जेक्ट रहेगा। वहीं आयोजन का प्राथमिक जो उद्देश्य है वह दोस्तों विश्व शांति के लिए अंतरधार्मिक और अंतरधार्मिक आंदोलन को बनाना और बढ़ावा देना, इसका जो प्रमुख उद्देश्य रहेगा। अब देखते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। तो वह क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर या 30 सितंबर। तो इन चारों में से जो भी राइट आंसर होगा उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपके कोई सुझाव हो तो वह भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक कलाम स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन है उस घंटे के साइन को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।